तो ये देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी अलग अलग स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए हैं। कुछ देख सकते हो इसमें ये पुराने कागजात हैं जिसमें कुछ प्रिंसली स्टेट के भी हैं, ये देख सकते हो ये ब्रिटिश टाइम के हैं और प्रिंसली स्टेट के भी ये देख सकते हो आप, ये तो पुराने कागज़ भी हैं इसमें। और ये पूरा अगर आप दूर तक देखेंगे तो ये पूरा एक कॉइन एग्जीबिशन लगा हुआ है दिल्ली में, जिसमें अलग अलग तरह के आपको बहुत सारे सिक्के देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ये सिक्के हैं देख सकते हो, कॉपर के सिक्के, ये मुगल कालीन सिक्के हैं, ये कॉपर के देख सकते हैं, इनकी वैल्यू भी अलग अलग होती है। ये ब्रिटिश इंडिया के सिक्के हैं, 1936 वन क्वार्टर आना मुगल कालीन सिक्के हैं, बाकी ये है एक अन्ना, ये देख सकते हो 1940 का, बाकी ये कुछ मेडल्स वगैरह भी हैं, कुछ कॉपर के सिक्के भी हैं। और ये वाले सिक्के देख सकते हो आप, ये नागा डायनेस्टी के इन्होंने बताए हैं, छोटे सिक्के देख सकते हो, काफ़ी छोटे सिक्के हैं। पर कॉइन क्या वैल्यू होगी इनकी? 30 रुपीज़, 30 रुपये का एक सिक्का है ये नागा डायनेस्टी का, देख सकते हो बहुत छोटे सिक्के हैं, बिल्कुल बटन साइज़ के ही सिक्के हैं छोटे। बाकी और भी कुछ मुगल कालीन सिक्के हैं, ये देख सकते हो कॉइन होल्डर में जो पैक हैं, जिसमें अकबर के सिक्के देख सकते हो आप, ये देख सकते हो आगरा मिंट है ये सिक्का, बाकी और भी अलग अलग तरह के सिक्के आपको देखने को मिल जाएंगे। पूरे एक स्टॉल लगा हुआ है दिल्ली कॉइन एग्जीबिशन में, और यहाँ पर आकर आप देख सकते हो कुछ नोट भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे ब्रिटिश इंडिया के, कॉमनवेल्थ नोट काफ़ी ज़्यादा इनके पास कलेक्शन अवेलेबल है। बाकी ये फाइल्स में भी इनके पास अलग अलग तरह के कुछ सिक्के हैं, देख सकते हो तुगलक डायनेस्टी का ये सिक्का है, बाकी ये सुल्तानों के कुछ सिक्के हैं, मराठा डायनेस्टी के सिक्के हैं 10th सेंचुरी के, और भी इनके पास अलग अलग प्रिंसली स्टेट, दिल्ली सल्तनत, मुगल कालीन, ब्रिटिश इंडिया के बहुत सारे सिक्के इनके पास अवेलेबल है, जिनकी कॉस्ट सबकी अलग अलग है। तो कॉपर के सिक्के हैं, इनकी वैल्यू क्या होगी, जो कॉपर के सिक्के हैं इनकी क्या प्राइस होगी, सबकी अलग अलग प्राइस है। ये जो कॉपर के सिक्के हैं इनकी प्राइस सबकी अलग अलग है। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं कॉपर के सिक्के, मुगल कालीन सिक्के, तो आप दिल्ली कॉइन एग्जीबिशन में आ सकते हैं, यहाँ पर ये अलग अलग तरह के सिक्के आपको देखने को मिल जाएंगे, जिनकी वैल्यू भी अलग अलग है सबकी। अगर ये क्वार्टर ना देख सकते हैं ब्रिटिश इंडिया के, इनके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, शायद आपने देखी होगी, ये भी नॉर्मल वैल्यूज़ के होते हैं। बाकी जो रेयर वैरायटी के हैं उनकी वीडियोज मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, ये सभी नॉर्मल वैल्यूज़ के सिक्के हैं। बाकी देख सकते हो पूरा एक एग्जीबिशन है ये, काफ़ी बड़े लेवल पर ये एग्जीबिशन लगा हुआ है, और ये सब्सक्राइबर खड़े हैं यहाँ पर मेरे, देख सकते हो। तो यहाँ कुछ एंटिक्स वगैरह का भी है, देख सकते हो यहाँ पर आप, ये कुछ एंटिक्स वगैरह के कुछ आइटम्स भी हैं यहाँ पर रखे हुए हैं, देख सकते हो। बाकी कुछ फैंसी नंबर, ये विदेशी नोट, ये देख सकते हो आप, विदेशी नोट है, ये पूरे पैकेट हैं इनके, देख सकते हो। ज़्यादातर नोट इनमें से सर्कुलेशन से बाहर हो चुके हैं, देख सकते हो आप। कुछ बड़े नोट भी आते हैं, मैंने आपको बताया था 1 बिलियन 1 ट्रिलियन इस तरह के कुछ नोट भी आते हैं, बड़े बड़े नोट, ये देख सकते हो कुछ बड़े बड़े इनके पास कॉइन्स और मेडल टोकन अवेलेबल हैं, ये देख सकते हो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो काफ़ी वजन काफ़ी भारी है ये, कम से कम 27-30 ग्राम के आसपास के ये वजन के सिक्के हैं, देख सकते हो काफ़ी बड़े सिक्के हैं। इनके पेजेस भी देखेंगे आप ऊपर से तो ये काफ़ी मोटे सिक्के हैं, काफ़ी भारी सिक्के हैं ये। उनका जो मेटल है वो है सिल्वर, ये है सिल्वर के सिक्के, देख सकते हो आप, जॉर्ज किंग के ये सिक्के हैं, काफ़ी वैल्यूएबल सिक्के हैं। पूरा दिल्ली में एक एग्जीबिशन, एक स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हो पूरा दूर तक ये एग्जीबिशन है, और काफ़ी यहाँ पर भीड़ भी है, ये देख सकते हो आप, ये पूरा स्टॉल लगा हुआ है दिल्ली कॉइन एग्जीबिशन का, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कलेक्टर्स आए हुए हैं अपने सिक्के बेचने, और कुछ कलेक्टर्स आए हुए हैं सिक्के खरीदने। यहाँ पर देख सकते हो ये कुछ नोट्स वगैरह भी हैं इनके पास, फैंसी नंबर के नोट हैं, बाकी कुछ बंडल भी हैं, ये देख सकते हो 786 की सीरीज़ के बंडल भी हैं इनमें, और कुछ अलग अलग तरह के नोट्स वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छा खासा कलेक्शन है इनके पास, ये देख सकते हो। ये है दिल्ली कॉइन एग्जीबिशन, तो यहाँ पर आप एक बार ज़रूर आएँ, और अगर आपके पास कुछ पुराने नोट या सिक्के हैं रेयर कैटेगरी के, तो उनकी वैल्यू आप ज़रूर आकर यहाँ पता करें। देख सकते हो पूरे बंडल हैं ये, 1 रुपये के 5 रुपये के, देख सकते हो पुराने बंडल हैं जिनमें 100 नोट अवेलेबल है, जिनकी वैल्यू सबकी अलग अलग वैल्यूज़ हैं इनकी। बाकी कुछ रेयर बंडल भी आते हैं, उनके बारे में आगे आपको बताऊँगा। बाकी ये है प्रूफ सेट और UNC सेट, ये देखो काफ़ी सारे प्रूफ और UNC सेट है, जिनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, जिनमें मैंने बताया था बड़े बड़े सिक्के भी अवेलेबल होते हैं।
देख सकते हो ये स्मारक सिक्के राष्ट्रमंडल के 60 वर्ष, ये अलग अलग तरह के बहुत सारे ऐसे प्रूफ सेट देखने को मिल जाएंगे आपको। तो अगर आप प्रूफ सेट अपने कलेक्शन के लिए खरीदना चाहते हैं तो आप दिल्ली कॉइन एग्जीबिशन में भी आ सकते हैं। सर कोई कार्ड है आपका विजिटिंग कार्ड?